फिक्शन में क्या पढ़े थे? सॉलिड पर एक फिक्शन फोर्स लगता कॉन्टैक्ट है ना, तो फोर्स। वही चीज है ये लिक्विड पर लगने वाला बल जो होता है उसी को कहते हैं क्या, विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है विस्कोसिटी। तो फॉर्मूला आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ईटा। पहले भी हम लोग देखे थे ईटा, ईटा नाम सुना है ना, उसका वैल्यू कितना होता है, और उसका जो डायमेंशन होता है यूनिट होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, चलो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू व्हिच इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। डिफरेंट लेयर बोले तो ये एक लेयर, ये हो गया क्या, कभी भी तालाब या तो नदी में गए होंगे, देखे होंगे नीचे का जो पानी है, ध्यान दीजिए बात पर, नीचे का जब पानी है वो शांत होता है ऊपर की पानी की तरफ। अब क्यों होता है इसके बारे में कभी नॉलेज किया है? अगर सरफेस टेंशन पढ़ते ना तो आपको बहुत सारा चीज भी मिल जाता सुनने में, क्योंकि डे टू डे लाइफ में सरफेस टेंशन जो था उसको हम उठा के दिए थे सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी में। डे टू डे लाइफ में जो हम लोग करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब तरह का सरफेस टेंशन में लगा हुआ था। जैसे कि मान लीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा उस पर, यहाँ का जो लेयर होगा ये तो एकदम जीरो है, जीरो पर बैठा है ये, क्योंकि ये सरफेस है, इसको मान लेते हैं हम लोग सरफेस है पानी का। और ये जो लेयर है ये थोड़ा इससे कम स्पीड में हो, ज्यादा स्पीड होगा, ये जो लेयर है और इससे भी ज्यादा होगा, ये लेयर इससे भी ज्यादा होगा, ये लेयर इससे भी ज्यादा होगा, ये लेयर इससे भी ज्यादा होगा, लास्ट में ये इससे भी ज्यादा होगा। क्यों होता है? इसका कारण है वही विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स होने के कारण यहाँ फ्रिक्शन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन का ही काम करता है। जैसे कि हम लोग सॉलिड में देखे थे, एक पीछे का फ्लैशबैक में जाते हैं, ये सॉलिड था और ये सरफेस था, अगर ये बॉडी इधर जा रहा था तो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा था, हाँ या ना, तो यस उसको हम क्या कहते, फ्रिक्शन कहते थे। सर लेकिन बिल्कुल। इस जब ये सॉलिड के केस में होता था, सेम टू सेम केस इसी में भी होता है। मान लीजिए इसमें ये जो लेयर है, इस लेयर तो इसके साथ क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, इसके कारण ये लेयर थोड़ा कम स्पीड हो जाता है, फिर इससे भी थोड़ा बाकी, ये धीरे 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 बढ़ने लगता है, क्योंकि ये सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? सरफेस के साथ कभी भी नदी या तो नाला में देखिएगा, नीचे का पानी से ऊपर का पानी ज्यादा तेज भागता है। इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, क्योंकि उसमें तो कैलकुलेशन नहीं ना दिख रहा है, बहता है बहता है। और इसके बीच में एक रिलेटिव मोशन भी होगा, दो लेयर के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, हाँ या ना। जो रिलेटिव मोशन अपोज करता है दोनों लेयर के बीच में, बिटवीन डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी, उसी को कहते हैं क्या। ऐसे करके करके पीछे चल जा रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं और इंटरनल फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। ये पीछे जो बल लगता है आगे तरफ फोर्स लगाए, इसका पीछे भी एक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन या तो फ्लूइड फ्रिक्शन। सॉलिड में तो था वो अलग था, सॉलिड में जैसा कि था आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, रोटेटिंग फ्रिक्शन, बहुत तरह सा, इसमें सिर्फ एक ही होगा, वो होगा क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन।
और दोनों के इस दोनों के जो लेयर के दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन लगते हैं उसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन के जो अपोज करता है उसी को कहते हैं विस्कोसिटी। एंड द फोर्स बिटवीन द लेयर अपोजिट सुन पा रहे हैं? जी सर, एक एक मिनट पर कट रहा है मेरा नेटवर्क। प्रकाश पप्पू जी सर बोलिए। ये नोट हम आपको दे रहे हैं, ठीक ठीक है? ठीक ठीक और ओम प्रकाश दोनों ही कैंडिडेट है, दोनों ही मान लीजिए ठीक है। ओम प्रकाश तो खैर पर नोट लिख भी लेता है, थोड़ा सा देख के हमको बोलिएगा कि कहीं समझ में नहीं आया। ये टू लेयर है, ये एक लेयर और ये एक लेयर है, ये सरफेस है रेस्ट में है, ये नीचे की लेयर है रेस्ट में है, यानी इसमें मिट्टी लगा हुआ है, और ये एक लेयर है और ये एक लेयर है। इस लेयर के बीच डिस्टेंस कितना है, एक्स मान लेते हैं, और ये पूरा का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स प्लस डी एक्स ले लिए हैं। उसी तरह इसका भी यहां से यहां की इसका वेलोसिटी कितना है, भीम ले लिए हैं, और इस लेयर का वेलोसिटी भी प्लस डी भी। कंसिडर द टू लेयर, देखिए टू लेयर है, एक है सीडी और एक है एमएम, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऑफ ए लिक्विड एट ए डिस्टेंस एक्स, एक का डिस्टेंस एक्स है, दूसरा का है कितना, एक्स प्लस डी एक्स है। फ्रॉम द फिक्स सरफेस ए बी, कहां से, ए बी से, ए बी से यहाँ का एक्स है और इस पूरे का एक्स प्लस डी एक्स है। हैविंग द वेलोसिटी वी एंड डी बी, वेलोसिटी वी है और वी प्लस डी बी रेस्पेक्टली, देन डी बी बाई डी एक्स डिनोट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस एंड इट्स नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब एक चीज देखिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं, ये चीज को ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, दो लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन लगता है उसको विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स कहते हैं। देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट, सुन पा रहे हैं? यस सर। क्या बोलेंगे ओम प्रकाश, बहुत हमको खराब लग रहा है सर, आज ने तो छोड़ दीजिए सर, यहीं तक रहने दीजिए सर आज। नहीं नहीं हुआ तो कुछ नहीं, हम आपको नोट्स भेज दे रहे हैं, नोट्स को अच्छा से पढ़िए। जहां भी अब तो करते हैं ओम प्रकाश, कहीं भी अगर दिक्कत होगा उसको रेड लाइन करके हमको भेज दीजिए, क्योंकि हम ने, क्योंकि सब तो लड़का क्लास करने वाला नहीं है, कि तो हम भी जान रहे हैं, एक दो तीन चार मेरा क्लास में आठ दस अभी तक होता है, सुबह हुआ था, लेकिन अभी तो दो लड़का ऋषभ आया था, तीन लड़का। तो आप दोनों को हम होमवर्क इसी देते हैं, अगर मान लीजिए कोई किसी जगह पर आपको थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको ओम प्रकाश आप जानते हैं तो है, किसी भी टाइम पर हमको कर सकते हैं, हम आपको उस जगह के बारे में डिटेल्स बता देंगे, ठीक है? क्योंकि और विस्कोसिटी के बारे में कल हम नहीं बताएंगे, इसीलिए मेरा एक यूनिट अभी छूटा है हीट और थर्मोडायनेमिक्स, उसको अगर कर लेंगे ना तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि आपको हम एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। नहीं समझे मेरे बात? यस मेरे बात समझे ना, क्योंकि तो ये ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होने के कारण ये इसमें एक चीज बहुत अच्छा था, स्टॉक लॉ आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िएगा। स्टॉक लॉ जितना दिन आप कोई अगर पढ़ा भी है वो नहीं जानता है किस तरह होता है, सब जानता है कि वो 6πRv eta होता है, स्टॉक लॉ इज इक्वल टू 6πRv eta, और कहां से आया है कैसे आया है ये चीज भी हम यहाँ डिटेल्स में लिखे हैं, थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये चीज
कहीं अच्छा से यहाँ नहीं दिखाया गया है, हम कैलकुलेशन करके बना के दिखाए हैं कि स्टोक्स लॉ जो है वो 6πr d η होता है। ऐसे बुक वगैरह में भी देखिएगा डायरेक्ट लिखा रहेगा स्टोक लॉ इज इक्वल टू 6πr d η। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, लेकिन क्या बोले, कट जा रहा है खाली, छोड़ दीजिए सर। स्टोरी रिदम लेते हैं तभी कर दे। लेकिन आप लेकिन इसको थोड़ा सा मेहनत करके हमको बताइए कि सर ये काम किया हुआ है, नहीं तो हम दुखी मानेंगे। आपका आवाज नहीं आ रहा बराबर से, ठीक है? ये चीज तो कर सकते हैं मेरे लिए ना।